देश भर में कोरोना की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। मुंबई में सेकेंड वेव के बाद कोविड के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये उन लोगों की लाइन है जो आज से वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ना शुरू हुए हैं। दिल्ली में यूं तो ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया। कोरोना हमारे देश में कहर ढा रहा है, लेकिन इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं। न अस्पताल मिल रहा है, न अस्पतालों में बेड, न दवा, न इलाज, न ऑक्सीजन और वैक्सीन। कैसे कोरोना से हम बचेंगे, कैसे कोरोना को हम हराएंगे? वैक्सीन लगाने को लेकर हमारे आज तक के तमाम संवाददाताओं की देश भर से ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर, ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन्स हैं और वो जो कि गाड़ियों से ज्यादा उतर के जिनको दिक्कत है चलने फिरने में, उन लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए है। गाड़ियों में आप बैठे रहिए, इंतजार आप यहीं करेंगे, साथ साथ वैक्सीनेशन भी आपको गाड़ी में ही लगेगी। हाँ, आपको गाड़ी के अंदर जब आप ले जाएंगे, यहाँ कोहिनूर का पार्किंग लॉट जो है वहां पर आप गाड़ी में जब जाएंगे तो पार्किंग का चार्ज बस देना पड़ेगा, और वैक्सीनेशन जब आप लगा के वहां थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए रहेंगे और उसके बाद आपको वापस घर जा सकते हैं, कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। ये है एक सुविधा जो बीएमसी ने शुरू की है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो ड्राइव थ्रू है, बड़ी लंबी कतार है, ये मुंबई का आर्टीरियल रोड है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी इंतजार में हैं कि यहाँ पर पूरे दिन भर में तकरीबन 7-8 घंटे जो तकरीबन 2000 डोजेस लगते हैं वैक्सीन के, वो उन्हें लग जाएं और वो यहाँ पर वैक्सीन से सुरक्षित होकर निकल पड़े। कैमरामैन राकेश सालर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई में सेकेंड वेव के बाद कोविड के केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से आप देख पाएंगे कि ऐसी लंबी लाइन जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखाई देती है। इस वक्त हम दादर में हैं, एक पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर ये भी फैसिलिटी है कि जो व्हीलचेयर के लोग हैं वो लोग कार में आ सकते हैं, ड्राइव थ्रू कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सुबह की जो गर्दी है, ये 2 से 3 घंटे में आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो डोजेज हैं वो दिन के जो डोज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ बीएमसी के ऊपर ये चैलेंज है कि 18-45 इयर्स में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे, दूसरा ये कि जो सेकेंड डोज पेंडिंग है उनको सेकेंड डोज दे। तो इन सारी दिक्कतों में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। साल से लेके 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये उन लोगों की लाइन है जो आज से वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ना शुरू हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद ज्यादा सुस्त है। कुल 100 लोगों को भोपाल में आज वैक्सीन लगनी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पहले दिन कुल 104 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य में, जिसमें 10,400 लोगों को कोविड वैक्सीन आज लगनी है। लेकिन जो संख्या है लोगों की वैक्सीन लगवाने जो पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स पे, वो जो स्लॉट है उससे कहीं ज्यादा है, और इसीलिए कई लोगों को यहां से निराश होकर के वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे ही एक परिवार है हमारे साथ, अमित श्रीवास्तव, जो सुबह से यहां लाइन में लगे थे। इनका कहना है कि इन्हें नंबर भी मिल चुका था वैक्सीन के लिए, रजिस्ट्रेशन इनका पहले हो चुका था। पहले वैक्सीन लगनी थी 1 मई को, लेकिन क्योंकि 1 मई को वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी मध्य प्रदेश में, इसलिए 5 मई से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज जब ये यहां पहुंचे तो बिना वैक्सीन लिए इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। क्या कुछ बताया गया वो हम इनसे बात करते हैं। आप वैक्सीन लगवाने आए थे अंदर, आपसे क्या बात हुई जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचे? सर, मैं सुबह 6:30 बजे से आ गया हूँ और मुझे ये टोकन नंबर भी दिया गया, मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर देख के पहला नंबर टोकन दिया गया। जब मैं काउंटर पे पहुंचा 10:30 बजे से इन्होंने प्रक्रिया शुरू करी, उसके बाद कहने लगे कि मेरे पास बस 100 नामों की लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है, आपको नहीं लगेगा। और जितने भी लाइन में लगे, जितने के पास भी रजिस्ट्रेशन है, किसी का नाम नहीं है उनमें,
ना वहाँ सेकेंड डोज लग रहा है ना वहाँ फर्स्ट डोज लग रहा है। मैंने 1075 पर बात करी, उन्होंने कहा पूरे भोपाल में सिर्फ एक ही सेंटर ही यही नवीन और यहाँ सिर्फ 100 लोगों को लग रहा है। कैसे आप बाकी लोगों को रजिस्ट्रेशन दे रहे हो? फिर कितने लोग आपके साथ आज फैमिली में आए थे जिनको ये इंजेक्शन लगना था और कब से आप लोग लाइन में लगे हुए थे? सुबह 6:30 बजे से लगाऊं सर। 4 लोग हैं हम लोग 18+ वाले, जिसमें मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है। मेरे घर पे कोई, मैं उसे मजबूरी में लेके यहाँ पर आके खड़ा हूँ। उसके बाद मुझे 12 बजे निराश होकर जाना पड़ रहा, कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन को लेकर जहां अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया, तो वही रूरल के अंदर अगर बात की जाए, क्योंकि यह अहमदाबाद से महज 30 किलोमीटर दूर आया हुआ साणंद का इलाका है और यहां पे अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 18 साल से लेकर जो 44 साल का ड्यूरेशन है, जो एज का दायरा है, वहां पे अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग है उनको वैक्सीन देने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो 18 से 44 का एज लिमिट है उन लोगों को अभी भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। और जो दूसरा डोज है, क्योंकि पहला डोज जो था वो कोविशील्ड का था, तो दूसरा डोज यहाँ पे कोवैक्सीन का आया है, तो जिसकी वजह से दूसरा जो डोज लेने वाले लोग हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको भी फिलहाल दूसरा डोज जो है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो वैक्सीनेशन ड्राइव में यही जो गांव के एरिया है जहां पे रूरल इलाकों में वैक्सीन होनी चाहिए और वैक्सीन जो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब कोरोना गांव तक स्प्रेड हो चुका है, गांव के अंदर ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और गांव के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज रहती है वो फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है। वैसे में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी अभी 18 से लेके 44 तक का शुरू नहीं हो पाया है। लोग यहाँ पे पूछताछ के लिए आते हैं, लेकिन हर किसी को यही समझाना पड़ता है, क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो भी लोगों में है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अहमदाबाद के लिए बताया गया था कि अहमदाबाद में वैक्सीन शुरू हो जाएगी 18 से लेके 44 तक, लेकिन अब तक वो वैक्सीन का जो ड्राइव है वो शुरू नहीं हो पाया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद साणंद आज तक। बिहार में लॉकडाउन का पहला दिन, बिहार के कई शहरों से हमारे विभिन्न संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए कि कोरोना में लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं। कई कई जगह पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी। 15 मई तक के लिए पूर्णतः लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालात बेकाबू हो गए हैं। रोजाना 14,000 से 15,000 मामले सामने आ रहे हैं। कल 100 लोगों की ज्यादा मौत भी हो गई थी। ऐसे में इस वक्त हम सहरसा में हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जिला प्रशासन इस वक्त शहर में उतर चुका है लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू कराने के लिए, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि लॉकडाउन के बावजूद भी सड़कों पर काफी सारे लोग घूम रहे थे, लेकिन अब अभी देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन पूरे दल बल के साथ यहाँ पर शहर में एक तरीके से कह सकते हैं फ्लैग मार्च कर रहा है और लोगों को घर के अंदर रहने की जो है अपील कर रहा है। हमारे साथ सहरसा के DM मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कौशल जी से। कौशल जी, सुबह से थोड़ा हालात मतलब काबू में नहीं था, लोग सड़कों पे थे, लेकिन किस तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट करा रहे हैं लॉकडाउन को? देखिए, जो रिस्ट्रिक्शन लगा है वो 7 से 11 बजे तक जो आवश्यक वस्तुओं की चाहिए थी दुकान खुली थी, तो उस दुकान में जो कोई अगर आवश्यक चीज़ खरीदने का था पब्लिक उसमें निकले थी, लेकिन अभी 11 बजे पूरा सभी दुकान बंद हो गया है और जो मूवमेंट भी ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया है और लगा है आज तो सर ये हुई है, लेकिन हमको लगता है जनता का सहयोग जैसे पहले मुझे मिला है आगे 10 दिनों तक ये मिलता रहेगा और हम लोग प्रशासनिक स्तर से भी पूरा तैयार रहेंगे और हम लोग निरंतर हम लोग देखते रहेंगे कि लॉकडाउन का कहीं उल्लंघन ना हो। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, जो क्योंकि आपदा का नियम के तहत हम लोग लॉकडाउन को उल्लंघन करेगा तो उस पर, और जो हमारा आदेश निकला उस उल्लंघन होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी।